दोस्तों नमस्कार, यह है HP पेविलियन DV2000 लैपटॉप HP का है। इसका प्रॉब्लम ऐसा है कि दोस्तों यहाँ पे जो है इसके हिंजेस टूटे हैं और हिंजेस टूटने के बाद अभी कंडीशन ऐसी है कि इसके हिंजेस नहीं मिल पा रहे हैं। बट फिर भी होता प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है इसमें कि लैपटॉप जब हम चालू करते हैं तो वहाँ पे ये हिंजेस जो है यहाँ पे दबाने के बाद डिस्प्ले हमारा दिखता है। तो उसके लिए एक सेंसर है दोस्तों यहाँ पे, ये सेंसर जब ओपन रहता है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ये जो सेंसर है ये ओपन रहता है तो ये डिस्प्ले यहाँ पे आएगा। पर ये सेंसर जब हम यहाँ से दबाते हैं तो ये डिस्प्ले यहाँ पे चला जाता है। तो इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, जब इस कंडीशन में ये आपको यहाँ पे दबाने के बाद डिस्प्ले आता होगा, उस कंडीशन में आपको करना क्या है, ये जो सेंसर है इस सेंसर का जो कनेक्शन आया है, ये कनेक्शन देखिए, ये वायर यहाँ से ये देखिए यहाँ पे आई इस कनेक्टर पे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये कनेक्टर मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। और जब भी आप लैपटॉप हिंजेस की वजह से मान लो यहाँ पे दबाने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले आता होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये सेंसर निकालने के बाद ये डीएक्टिवेट, देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं दबा रहा हूँ, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा और आपका डिस्प्ले कंटिन्यूस यहाँ पर दिखेगा। तो ऐसा आपको मतलब शॉर्टकट, जब तक आपका ये हिंजेस आपका रिपेयर नहीं होता होगा, मतलब यहाँ पे मिलता नहीं होगा, तब तक आप ये या टेम्पररी आप लैपटॉप को अपना काम चला सकते हैं। तो रिकॉर्ड करने का ये मतलब उद्देश्य था। थैंक यू वेरी मच।